मिक्कू बेटा खाना खा ले। अरे हाँ खा लूंगा। बेटा खाना ठंडा हो जाएगा, अभी खा ले। अरे खा लूंगा यार। अरे बेटा मिक्कू। अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो यार, जरूरी काम कर रहा हूँ ना। बेटा मेरा सर दुख रहा है। वो पास में डिस्पिन पड़ी है, ले लो ना। हाँ बेटा दवाई से कोई असर नहीं हो रहा। अरे तो मैं क्या करूँ यार मम्मी, जरूरी काम कर रहा हूँ ना यार। अरे यार नेट को क्या हो गया? हमारे माँ को ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज, उनका जो हेड ऑफ होता है वो भी इसी कारण से होता है बेटा। अब आगे से कभी भी उनके सर दर्द हो, बिना एक मिनट गंवाए उनको अस्पताल जाना बेटा, तभी उनकी जान बच सकती है। ओ शिट। Deep shock. He thinks that he is the reason behind his mother's death. But what do you think, guys? Is he the reason behind that mishap, or it is the over usage of social networking sites? Social networking sites को हमने बनाए, इन sites ने हमको नहीं। अच्छा, Facebook से फटाफट देखते हैं आज किसका बर्थडे है। अपनी दादी के बर्थडे के बारे में पता है, टाइमलाइन के बारे में सबको पता है, पर टाइम यूजेज और टाइम वेस्टेज के बीच में जो लाइन होती है उसके बारे में कितने को पता है? मैं बताता हूँ, देश विदेश में फेसबुक फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वो तो सबको पता है, पास वाले कमरे में दादू क्या कर रहे हैं वो पता है। खाना खा लो, खाना खा लो। अरे खा लो ना खाना। उस तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, एक जगह एक टांग पे खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हारी जगह पे तुम्हें खाना मिल रहा है तो क्यों नहीं खाते वो खाना? अरे यार अपनी फेसबुक की फीमेल फ्रेंड्स की फोटोज को लाइक करके उनको सुकून दे देते हो, अगर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओगे ना तो उनको भी सुकून मिलेगा। कभी कभी छोटी गलतियों की सजा बहुत बड़ी होती है। मैंने कुछ खोया है जो मैं दोबारा नहीं पा सकता।